प्यारे बच्चों, आज हम लोग नागरिक शास्त्र का दूसरा पाठ समाज में विविधता इस पाठ को जानेंगे। इसमें आपको क्या क्या जानना है, जैसे हमारा समाज है, समाज माने हम जहाँ रहते हैं, अपने लोगों के बीच उठते बैठते हैं, बोलते चलते हैं, हर तरह के काम करते हैं, उसे हम समाज कहते हैं। तुम्हारा भी बच्चों का एक समाज है और उस समाज में तुम्हारी अहम भूमिका होती है, उसको तुम नित्य प्रति निभाते हो, उसी को हम समाज कहते हैं। तो इस पाठ में हम जानेंगे विविधता ही हमारी शक्ति, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत, हमारे व्यक्तित्व निर्माण में समाज का योगदान और समाज का नियमन। तो चार बातें हम इस पाठ में देखेंगे। विविधता ही हमारी शक्ति, विविधता ही माने हमारे समाज में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, भाषा, धर्म, संस्कृति, रीत रिवाज, परंपराएं बहुत सारी प्रचलित हैं। इन विविधताओं के कारण हमारी संस्कृति संपन्न होती है। हमारे आसपास मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, हिंदी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ये सभी अलग अलग पद्धतियों से तीज त्यौहार उत्सव मनाते हैं। उनकी पूजा अर्चना की पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं। विभिन्न ऐतिहासिक विरासत प्राप्त प्रदेश हमारे देश में हैं। इन सभी के बीच विविधता का आदान प्रदान होता रहता है। वर्षों के एक साथ रहने के कारण एकता की भावना निर्मित हो गई। इसके द्वारा समस्ता एकता दिखाई देती है। तो ये विभिन्न प्रकार के भाषाई लोग, धर्मों के मानने वाले हमारे बीच रहते हैं और उन सबसे हम सामंजस्य बना करके रहते हैं। यही विविधता है और इसी विविधता के कारण हम शक्तिशाली भी हुए हैं। यही हमारी शक्ति है, विविधता ही हमारी शक्ति, विविधता ही हमारी शक्ति। विभिन्न समूहों के साथ मिलजुल कर रहना ही सह अस्तित्व अनुभव करना है। सह अस्तित्व माने एक दूसरे के साथ रहते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखना, इसी को सह अस्तित्व कहते हैं। हमारे बीच सामंजस्य बढ़ता है, रीत रिवाजों जीवन पद्धति से परिचित होते हैं, एक दूसरे के जीवन पद्धति का आदर करते हैं और उनकी प्रथाओं परंपराओं को ग्रहण करते हैं। समाज में बहुत सारी विविधताओं, एकता, प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं का सामना मिलकर के करते हैं। तो इससे हम, यही हमारी शक्ति है, क्योंकि हम मेलजोल को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्षता की भावना, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा समाज विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, उनके बीच सामंजस्य बढ़ते हैं, उनकी श्रद्धानुसार पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता उनको प्राप्त है, इसलिए संविधान महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। संसार में भारत एक महत्वपूर्ण पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे देश में बड़े भाषाई विधार में विविधता पाई जाती है। विविधता को स्वस्थ संरक्षित रखने के लिए हमने पंथ निरपेक्षता सिद्धांत को स्वीकार किया। हमारी संस्कृति समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, इसलिए हमने विभिन्न पंथों को स्वीकार किया है और उनको सामंजस्य बना करके चलते हैं। हमारे संविधान में लिखा गया है हमारा राष्ट्र पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे देश में शासन द्वारा किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म अपनी पसंद के अनुसार स्वीकार कर सकता है और उस तरह से उपासना कर सकता है। धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी धर्मों के लोगों को शासन द्वारा समान अधिकार मिले। शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी आदि के अवसर सभी को उपलब्ध कराए गए हैं समान रूप से। इसमें धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए संविधान में विशेष प्राविधान किए गए। अल्पसंख्यकों को उनकी भाषाई सांस्कृतिक अस्मिता को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। शिक्षा के माध्यम से अपने अपने समाज का विकास करने की स्वतंत्रता भी उन्हें दी गई। पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के कारण भारतीय समाज में सामंजस्य बना हुआ। इसी पंथ निरपेक्षता की ताकत है हमारे देश में कि हम अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी पंथ निरपेक्षता के कारण हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज का योगदान। समाज में रहकर हम क्या सीखते हैं,
कौन से गुणों को ग्रहण करते हैं, हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज किस प्रकार सहायता करता है, यह हम यहाँ समझेंगे। सहयोग, एक दूसरे का सहयोग हम कैसे करते हैं। प्रत्येक समाज व्यक्ति समूह के परस्पर सहयोग पर आधारित होता है, एक दूसरे के सहयोग के बिना किसी भी समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता। माने हम समाज में रहते हुए एक दूसरे का सहयोग हमेशा करते हैं, उनके सुख में दुख में हम उनके साथ खड़े रहते हैं, यही हमारा सहयोग है। एक दूसरे की समस्याएं प्रश्नों को हल करने के लिए एक दूसरे की पारस्परिक सहायता करना सहयोग कहलाता है। हमारे परिवार के सदस्यों में यदि ऐसी प्रवृत्ति न हो तो परिवार नहीं चल सकता। तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं सबका अलग अलग राय हो और एक दूसरे का सहयोग न करें तो परिवार नहीं चलेगा। उसी तरह से सामाजिक बंधन भी है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, उनके सुख के भागी बने। सहयोग के कारण समाज में पारस्परिक निर्भरता अधिक स्वस्थ रहती है और समाज के सभी लोगों को उसमें सम्मिलित कर लेना संभव होता है। इसी कारण हम सबको सम्मिलित कर पाते हैं, क्योंकि सबके मत एक नहीं होते हैं, फिर भी उनको हमको सामंजस्य करके उनके साथ चलना पड़ता है, यही हमारा विशेषता है। सभी घटकों को क्या साथ लेकर चलने की एक प्रक्रिया होती है, सभी घटकों को साथ लेकर चलने की एक प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर हम काम करते हैं समाज में रहते हुए। समाज में कमजोर पिछड़े वर्ग के लोगों, लड़कियों की शिक्षा, उनका विकास के लिए सहयोग देना चाहिए। इसके लिए शासन द्वारा कौन कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई है उनकी जानकारी एकत्र करो। इन घटकों के विकास के लिए तुम क्या करोगे, आपसे प्रश्न है कि तुम क्या कर सकते हो। इस विषय पर कक्षा में विचार विमर्श करो, विचार विमर्श महत्वपूर्ण मुद्दे अपनी कक्षा विद्यार्थियों तभी तक पहुँचाओ। तो ये कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे गरीब घर की बच्चियां हैं उनको पढ़ने के लिए हम सहयोग देना चाहिए, उनका हर संभव मदद करना चाहिए। सहिष्णुता और सामंजस्य, समाज में जिस प्रकार सहयोग की भावना होती है वैसे भी कभी कभी मतभेद विवाद और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति के बीच मतों विचारों दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित न हो तो विवाद और संघर्ष निर्माण हो सकते हैं। अगर हमारी राय नहीं मिलती है तो हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं। एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह माने पहले से ही कोई उसके मन में उसके प्रति कोई घृणा का भाव हो या अनादर का भाव हो, अथवा भ्रम भी संघर्ष के कारण हो सकते हैं, ये भी संघर्ष का कारण हो सकता है। दीर्घ काल तक संघर्ष जारी रखना किसी के हित में नहीं होता। आपसी समन्वय और समझौतों के माध्यम से ही मनुष्य संघर्ष का निवारण करना सीखता है। यदि थोड़ा सामंजस्य रखते हुए सहिष्णुता बुद्धि को दर्शाएं तो संघर्ष समाप्त हो सकता है। तो हमें सहिष्णुता से काम लेना चाहिए हर मामले में। सामंजस्य की वजह से हम अनजाने में अनेक नई बातें सीखते हैं, नए विचारों को आत्मसात करते हैं। इन विचारों की मदद से हमारा सामाजिक जीवन अधिक समृद्ध बनता है। हमारी सहिष्णुता में वृद्धि होती है। सामाजिक स्वास्थ्य और शांति बनाए रखने के लिए एक सरल पद्धति को सीखने का अवसर समाज के कारण ही हमें प्राप्त होता है। तो समाज के कारण हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे स्थिति में हमको कैसे किस तरह से रहना है, कैसे मदद करना है। यहाँ देखिए, करके देखो, तुम समाज में अनेक स्थानों का समन्वय करते हो कि नीचे कुछ अनुभव दिए गए हैं उनके अनुभवों को सम्मिलित करो। सभा के लिए लोगों से खचाखच भरा हुआ, एक व्यक्ति के बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा है, तुमने अपनी बेंच पर थोड़ी सी जगह बैठ ली है। माने सभा के लिए खचाखच भरा है, कोई एक व्यक्ति आता है और जगह का बैठने खोजता है, तुमने थोड़ा सा जगह दे के अपने बेंच पे बैठा लिया, ये तुम्हारी क्या हुआ, ये सहयोग हुआ, ये सामंजस्य हुआ, सहिष्णुता हुआ। तुम्हारे गियर वाली साइकिल चाहिए तो परंतु तुम्हारी दीदी को लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं है तो तुम अपनी जिद छोड़ देते हो। माने अपनी दीदी की पूरी करने के लिए इच्छा तुम अपने फीस भरने की जिद छोड़ देते हो, उसको गियर वाली साइकिल दिला देते हो। खेती की मेड़ को लेकर पड़ोसी के साथ चल रहा विवाद न्यायालय में ले जाकर तुम आपस हल कर लिया, पड़ोस का सोपान अब तुम्हारा प्रेम। तो इस तरह से तुम पड़ोसी से कोई झगड़ा चल रहा है खेत को लेकर के, खेत में आपसी झगड़े होते रहते हैं मेड़ वगैरह से, तो उससे हम सामंजस्य करके अपने मामले को हल कर सकते हैं। विविध भूमिकाएं निभाने के अवसर, तुमको विविध भूमिकाएं निभाने के अवसर समाज में मिलते रहते हैं।
समाज में हमारी अनेक भूमिकाएं होती हैं, एक ही व्यक्ति अनेक भूमिकाओं को निभाता रहता है। प्रत्येक भूमिका में कुछ दायित्व और कर्तव्य निश्चित होते हैं। परिवार और परिवार के बाहर इन्हीं भूमिकाओं में अनेक परिवर्तन भी होते रहते हैं, परिवार में भी परिवार के बाहर भी। विभिन्न भूमिकाएं निभाने के अवसर, तुम्हारी वर्तमान भूमिका को बताने वाला चित्र अगले पृष्ठ पर देखो। 20 वर्षों के बाद तुम्हें और किन किन नई भूमिकाओं को निभाना पड़ेगा उस पर विचार विमर्श करो। ये आगे चित्र दिया हुआ है, ये आप ध्यान से देख लो। देखो इसमें ये चित्र बनाया गया है, विद्यार्थी विद्यार्थिनी बाल मित्र संगठन। तुम बस्ती में बाल मित्र संगठन बहुत सारे होते हैं, जैसे गणपति के लिए हुआ, गोविंदा हुआ, या ऐसे बहुत सारे संगठन बनते हैं बाल मित्रों के, उसमें सम्मिलित होते हो। स्वच्छता दूत, बस्ती में स्वच्छता के लिए, स्कूल में स्वच्छता के लिए स्वच्छता दूत बनाए जाते हैं, तो ऐसे स्थान पर भी तुम्हारी भूमिका अच्छी रहती है। खिलाड़ी खिलाड़ी बन गए, कक्षा प्रतिनिधि, कक्षा में तुम कोई कार्य तुमको सौंपा गया, विद्यालय के मित्रमंडल का सदस्य बनाया गया तुमको, फिर दादाजी दादी जी के साथ पौत पौत्री के रूप में तुम्हारा सहयोग, और माता पिता पुत्र पुत्री के रूप में तुम्हारा सहयोग। तो इस तरह से समाज में अनेक भूमिकाएं हैं जो तुमको निभाना पड़ता है, और समय समय पर उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर तुम इन भूमिकाओं को निभाते हुए अपना जीवन यापन करते हो। तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ ज्ञान होता है, और ये तुम्हारी स्थिति यहाँ है। तुम इन सब कार्यों को किस तरह से निभाओगे और इन सब बातों के विषय में तुम सोच सकते हो और अपनी भूमिका निश्चित कर सकते हो। समाज का नियमन, समाज में दैनिक व्यवहारों को सरलता से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। पूर्व समय में समाज का नियमन अधिकांश रूप में रूढ़ और परंपराओं द्वारा होता था, परंतु आधुनिक समाज का नियमन रूढ़ परंपराओं के साथ साथ कानून द्वारा भी हो रहा है। बहुत तरह तरह के कानून हैं, कोई व्यक्ति समाज के प्रति कोई गलत काम करता है तो उसके लिए कानून है। कानून का स्वरूप रूढ़ियों परंपराओं संकेतों की तुलना में भिन्न होता है। इन सभी बातों के आधार पर हमारे समाज का नियमन अनेक संस्थाओं संगठनों द्वारा किया जाता है। स्थानीय शासन संस्थाएं भी समाज के नियमन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती हैं। स्थानीय शासन संस्थाएँ माने जो हमारे बस्ती में अनेक प्रकार के संगठन हैं बने हुए, वो सब लोग इस भूमिका को निभाते हैं। तो ये हुआ पाठ का। अभी देखिए ये प्रश्न उत्तर देख लीजिए ध्यान से। इसको आज आपको लिखना है, विभिन्न समूह खाली स्थान रिक्त स्थानों को भरो। विभिन्न समूहों के साथ मिलजुल कर रहना अर्थात सह अस्तित्व अनुभव करना, सह अस्तित्व, सह अस्तित्व। देखिए ये दिया हुआ है, विभिन्न स्थानों समूहों में सह अस्तित्व, ठीक है। दूसरा, संसार में भारत एक महत्वपूर्ण पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ है देखिए, भारत एक महत्वपूर्ण पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। दूसरा, सहयोग के कारण समाज में पारस्परिक निर्भरता अधिक स्वस्थ होती है, पारस्परिक निर्भरता, यहाँ है देखिए, समाज के कारण पारस्परिक निर्भरता अधिक स्वस्थ होती है, ठीक है। कभी प्रश्न उत्तर देखेंगे, ये देखिए, सहयोग किसे कहते हैं, देखिए इधर है, एक दूसरे की समस्याएं और प्रश्नों को हल करने के लिए एक दूसरे की पारस्परिक सहायता करना सहयोग कहलाता है। यहाँ से याद तक तो बस में अभी पंथ निरपेक्षता सिद्धांत को क्यों स्वीकार किया गया है, यहाँ देखिए, पंथ निरपेक्षता सिद्धांत को क्यों स्वीकार किया गया है, तो यह है पंथ निरपेक्षता। यहाँ देखिए, हमारे देश में बड़ी मात्रा में भाषाई और धार्मिक विविधता पाई जाती है, इस विविधता को स्वस्थ रूप से संरक्षित रखने के लिए हमने पंथ निरपेक्षता धर्म को स्वीकार किया है, यहाँ से याद तक, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अभी चलिए ये देखिए प्रश्न नंबर तीन,
करके देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखो। भारतीय समाज की एकता किससे प्रकट होती है? भारतीय समाज की एकता किससे प्रकट होती है? ये देखिए, यहाँ पर है, विभिन्न ऐतिहासिक विरासत प्राप्त प्रदेश हमारे देश में हैं, इन सभी के बीच विविधता का आदान प्रदान होता रहता है। वर्षों से एक साथ रहने के कारण एकता की भावना निर्मित हो गई है, इसके द्वारा भारतीय समाज की एकता दिखाई देती है। यहाँ से याद लिखिए। इसके बाद है, समाज में संघर्ष कब निर्माण होता है? समाज में संघर्ष कब निर्माण होता है? तो ये यहाँ है, देखिए, व्यक्ति व्यक्ति के बीच मतों, विचारों और दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित न हो तो विवाद और संघर्ष निर्माण हो सकते हैं। यहाँ लिख सकते हो, एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह भ्रम की ये भी कारण हो सकता है। आप इसको भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, सहयोग से कौन कौन से लाभ होते हैं? सहयोग से हमको बहुत सारे लाभ होते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखिए आप, सहयोग से कौन कौन से लाभ होते हैं, यह देखिए, ठीक है। सहयोग के बिना समाज का विकास रुक जाता है और दैनिक जीवन सुचारू रूप से चल नहीं सकता। सहयोग के कारण समाज में पारस्परिक निर्भरता अधिक स्वस्थ रहती है और समाज के सभी लोगों को उसमें सम्मिलित कर लेना संभव होता है। सभी घटकों को साथ लेकर चलने की एक प्रक्रिया ये सहयोग होती है, ठीक है। योग्य, अभी देखिए, तुम्हारे सामने दो बच्चे लड़ रहे हैं तो तुम क्या करोगे? ये आपके विवेक के ऊपर है, आप क्या कर सकते हो, तो इसको आप स्वतः लिखना है आपको। अगर तुम्हारे सामने दो बच्चे लड़ रहे हैं तो उनको हम पहले तो अलग करेंगे, लड़ने से मना करेंगे, भाई लड़ो मत, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो, लड़ना अच्छी बात नहीं है। उनको समझाएंगे भाई आपस में लड़ना ठीक बात नहीं है, अपने समस्याओं को बात से हल कर लो, लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है। तुम विद्यालय के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री हो, तुम कौन कौन से कार्य करोगे? विद्यालय का एक मंत्रिमंडल बनाया गया, उसमें तुमको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो तुम क्या कार्य करोगे? विद्यालय में और अपने सहयोगी बच्चों के साथ विद्यालय की गतिविधियों में हाथ बटाओगे, जैसे खेल के मैदान में है, कक्षा में है, तरह तरह के अलग अलग जगहों पर अलग अलग अनुशासन होते हैं, तो उन अनुशासन का पालन बखूबी हो बच्चों में, इस बात का ध्यान रखते हुए तुम्हें ये बच्चों को समझाना है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, तो आपकी भूमिका वहाँ पर ज़्यादा बनती है बच्चों को संभालने की और उनको सही रास्ते पर चलने के लिए सलाह देने की। तो इस प्रकार से ये पाठ हो गया और इसको आपको प्रश्न उत्तर लिखना है। धन्यवाद।